तो गाइस स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें एंड्राडे वर्सेस एलेनाइट के मैच के साथ देखने को मिलती है। इस मैच में एलेनाइट एंड्राडे के अगेंस्ट अपनी यूएसए चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं। मैच के एंड में एलेनाइट एंड्राडे के टॉप रोप मूव से खुद को बचाकर उन्हें बीएफटी देकर पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं। जिसके बाद गाइस हमें रोमन रेंस और कोडी रोड्स का फेस ऑफ देखने को मिलता है। रोमन रेंस और कोडी रोड्स का फेस ऑफ जर्जिया टेक स्टेडियम में होता है। रोमन रेंस कोडी रोड्स से कहते हैं कि ये सिटी और स्टेडियम में जो कुछ भी है वो सब मेरा है। इस पर कोडी रोड्स कहते हैं कि इस सिटी के लिए मेरी फैमिली ने भी सेक्रीफाइस किए थे, इसलिए यह सिटी मेरी भी फैमिली है। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि अभी मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सोलो शुकान ने मुझे जिमी उसो, पॉल हेमन, ब्लड लाइन और उफा माला भी छीन ली है। इस पर कोडी रोड्स कहते हैं कि मैंने तो रसलमेनिया से पहले ही कह दिया था कि आपके साथ ऐसा ही होगा, और अब तो आप ट्राइबल चीफ भी नहीं रहे हैं, और अगर अब आप ब्लड लाइन को नहीं हरा पाओगे तो आप केवल रोमन रेंस ही बनकर रह जाओगे। के बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि क्या मुझे आपकी हेल्प की नीड होगी तो आप मेरे साथ खड़े रहोगे। इस पर रोमन रेंस यस कहते हैं, और इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि उन्हें अब WWE चैंपियनशिप चाहिए। इस पर कोडी रोड्स कहते हैं कि यह चैंपियनशिप आपकी नहीं है। इसके बाद रोमन रेंस कोडी रोड्स से कहते हैं कि आप मेरे रास्ते में खड़े हो, और इसके बाद रोमन रेंस वहां से चले जाते हैं। बैक स्टेज केविन ओवेंस भी रोमन रेंस और कोडी रोड्स के सेगमेंट को देख रहे थे, लेकिन जब इस सेगमेंट के बारे में केविन ओवेंस से पूछा जाता है तो वो बिना कुछ कहे ही वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद गाइस हमें अपोलो क्रूज वर्सेस जियोवानी विची के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में एक बार फिर से अपोलो क्रूज ने जियोवानी को रोल अप कर पिन करके इस मैच को जीत लिया। जिसके बाद गाइस हमें केविन ओवेंस का सेगमेंट देखने को मिलता है। केविन ओवेंस रोमन रेंस और कोडी रोड्स की टीम के बारे में बात करते हैं, लेकिन तभी वहां पर सोलो शिकोया के अलावा पूरी ब्लड लाइन आ जाती है। टामाटोगा केविन ओवेंस से कहते हैं कि लास्ट वीक रोमन रेंस और कोडी रोड्स की वजह से हमारे ट्राइबल चीफ सोलो शिकोया की काफी इंसल्ट हुई थी, हम इसके लिए उनको तो सबक सिखाएंगे ही, लेकिन अभी सोलो शिकोया ने हमें तुम्हारी हालत खराब करने के लिए भेजा है। इसके बाद केविन ओवेंस और ब्लड लाइन के बीच हमें ब्रोल देखने को मिलती है, लेकिन तभी डाई वहाँ पर केविन ओवेंस की हेल्प के लिए आ जाते हैं। इसके बाद निकी एल्ट्रिस भी वहाँ सिक्योरिटी के साथ आ जाते हैं, और मेन इवेंट में इन दोनों ही टीमों के बीच सिक्स मैन टैग टीम मैच बुक करवा देते हैं। इसके बाद गाइस हमें बेली और नेओमी वर्सेस नाया जैक्स और टिफनी स्टेटन के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में बेली और नेओमी टिफनी को आईडी मूव देते हैं। इसके बाद दोनों ही नाया जैक्स को एक साथ पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं। जिसके बाद गाइस हमें केविन ओवेंस सिक्स मैन टैग टीम मैच के लिए एंट्री करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन डाई पर बैक स्टेज ब्लड लाइन अटैक कर देती है। उसके बाद ब्लड लाइन आकर केविन ओवेंस पर भी अटैक कर देती है, लेकिन तभी केविन ओवेंस की हेल्प के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद हमें केविन ओवेंस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ब्लड लाइन के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में केविन ओवेंस टामाटोगा को स्टनर देकर पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी टामालोवा केविन ओवेंस को रिंग से बाहर खींचकर उन स्टील टेबल्स पर खेल देते हैं। यह मैच डिस्क्वालीफाई से एंड होता है, लेकिन इसके बाद ब्लड लाइन ने फेस टीम की हालत खराब कर देती है, जिसके बाद डाई उन्हें बचाने के लिए आते हैं, लेकिन ब्लड लाइन डाई पर भी अटैक कर देती हैं और उनकी भी हालत खराब कर देते हैं। जिसके बाद कोडी रोड्स केविन ओवेंस की हेल्प के लिए बाहर आते हैं, लेकिन तभी ब्लड लाइन लेकर पीछे हट जाती है। पीछे से केविन ओवेंस स्टील चेयर हाथ में ले लेते हैं। एक बार को देखने में ऐसे लगता है कि केविन ओवेंस कोडी रोड्स पर अटैक कर देंगे, लेकिन केविन ओवेंस ऐसा नहीं करते। इसके बाद कोडी रोड्स केविन ओवेंस को हैक करते हैं, लेकिन फिर भी केविन ओवेंस हमें खुश नहीं दिखाई देते हैं। तथा आज का स्मैकडाउन का पूरा एपिसोड। आई होप कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।